हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 22 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। वो जो पहला आर्टिकल आया है वो है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को लेके। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में जो फैक्ट है वो। देखो, जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके द्वारा अनाउंस है वो की गई थी। कहाँ पे? 1943 में सिंगापुर, जो कि उस टाइम पे आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो चल रहा था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था। उसी दौरान सिंगापुर से आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की है वो शुरुआत की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है। अब देखो, यहाँ पे दो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। एक तो ये फैक्ट है कि आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट है इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से। इसी के साथ ये ध्यान रखना कि जो आज़ाद हिंद जो फौज थी, जिसको आप INA के नाम से हम जानते हैं, ये भी वो फाउंड की गई थी मोहन सिंह के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन है वो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में है या फिर आज़ाद हिंद फौज के बारे में आए। ये फैक्ट आपको क्लियर है वो यहाँ पे रखना है। जो आज़ाद हिंद फौज है वो डेवलप की गई थी 1942 में अगस्त में, कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। जापान की हेल्प से इसको डेवलप है वो किया गया था। इसके जो वैसे सही नाम था आज़ाद हिंद फौज, उसका रियल नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, INA। अब देखो, जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है ये इसी के तहत भी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका दूसरा नाम था वो ये था अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। और ये उस टाइम पे जो एक्सिस पावर, देखो वर्ल्ड वॉर टू आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो कंट्रीज के बीच में हुआ था, नहीं दो मेनली दो ग्रुप थे उस टाइम पे। एक तो था वो था एक्सिस ग्रुप और एक था द अलायंस। एक्सिस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज थी? एक्सिस में थी जापान, इटली और जर्मनी, और अलायंस में थी चार कंट्री। एक साइड फ्रांस था, अमेरिका था, ब्रिटेन था और सोवियत यूनियन। तो ये उस टाइम पे चार कंट्री ये थी और तीन कंट्री ये थी। इनके बीच में बेसिकली जो वॉर है वो लड़ा गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो यहाँ पे ये गवर्नमेंट बनाई गई थी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सिंगापुर से, जिसकी अनाउंसमेंट है, घोषणा की गई थी, वो ये दो एक्सिस ग्रुप है इसके द्वारा सपोर्टेड थी। यानी कि जापान, जर्मनी और इटली ने इसको सपोर्ट है वो किया था। तो ये आपको फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। अब हम कुछ और फैक्ट है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो, 1942 में जब प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो उसमें कुछ प्रोविजन रखे गए थे इस गवर्नमेंट के तहत। जैसे जो गवर्नमेंट बनाई गई थी उसके जो मेन हेड थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद थे, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी वो खुद थे, मिनिस्टर्स थे जो वार और फॉरेन अफेयर के वो सुभाष चंद्र बोस खुद थे। इसके बाद में जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी एक, उसके जो हेड थी वो थी कैप्टन लक्ष्मीबाई। और इसी के साथ ही जो पॉलिटिकली जो पब्लिसिटी करवानी है, प्रोपेगेंडा को फैलाना है, इसके जो हेड थे वो थे SA अय्यर। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो रोल था सुप्रीम एडवाइजरी के तौर पे वो था रास बिहारी बोस के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट थी इसके तहत जो गवर्नमेंट बनाई गई है, इस गवर्नमेंट में जो मेन सुप्रीम एडवाइजर थे वो थे रास बिहारी बोस। अब ये आपको एक छोटा सा फैक्ट और आता है आगे कि जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी तो उस टाइम पे अंडमान एंड निकोबार में भी इसकी स्थापना है वो की गई थी, और इसी के तहत वहाँ पे स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप पे वो नाम रखे गए थे। इम्पोर्टेंट बात बाद में क्या आती है कि स्टार्टिंग में तो, यानी कि 1943 में तो क्या हुआ, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने अंडमान और निकोबार पे कब्जा कर लिया था और वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। बट बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस 1945 में इसको मतलब कैप्चर है वो कर लिया था। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है एंथ्रेक्स के बारे में। तो क्या है वो देखते हैं। देखो, एंथ्रेक्स एक डिजीज है जो कि अभी आसाम की एक पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे दो तीन जो जंगली भैंस थी उनकी अभी एक तरीके से डेथ है वो हो गई थी, और उसके पीछे जिम्मेदार था वो था एंथ्रेक्स डिजीज। तो अभी न्यूज़ में है तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, एंथ्रेक्स डिजीज है, पहली बात ये ध्यान रखनी कि बैक्टीरिया से यह फैलती है, यानी कि बैक्टीरिया है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है बैक्टीरिया जनित रोग है। अब देखो, नॉर्मली जिस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे आप समझने के लिए कि जैसे गेहूं का बीज होता है, मतलब गेहूं के जो दाने हैं वो कब उगते हैं, जब उनको हम जमीन में डालते हैं, उनको पानी वगैरह मिलता है, जो भी उनको फर्टाइल की ज़रूरत है वो सब सारी चीज़ें मिलती हैं, तब वो धीरे धीरे गेहूं का पौधा बनता है और फिर आगे उसके वापस गेहूं के बीज वगैरह लगते हैं। इसी तरीके से जो बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स डिजीज के लिए, जिसका नाम है यहाँ पे बेसिकुलस एंथ्रेक्सिस, तो ये जो बैक्टीरिया है ना ये क्या करता है, अपने एक तरीके से बीज डेवलप करता है जो कि स्टार्टिंग में तो क्या है न्यूट्रल मोड पे रहते हैं। मतलब जब ये एक तरीके से जो बैक्टीरिया डेवलप करेगा खुद ये बीजों की फॉर्म में, वो स्टार्टिंग में तो डोरमेंट डोरमेंट कंडीशन का मतलब होगा एकदम न्यूट्रल कंडीशन।
देखो डोरमेंट स्पोर्स वर्ड है यहाँ पे बेसिकली। तो डोरमेंट स्पोर्स का मतलब, डोरमेंट का मतलब तो हो गया एकदम न्यूट्रल मोड पे है, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। और स्पोर का मतलब ऐसे ही होता है कि बीज, यानी कि जो बीजाणु होते हैं पौधे के छोटे छोटे, उनसे अब जो छोटे छोटे बीज निकलते हैं उसको हम बेसिकली यहाँ पे स्पोर के नाम से हैं वो जानते हैं। अब होता क्या है, जब ये स्पोर इन्वायरमेंट में नॉर्मली तो ऐसे पड़ रहते हैं बीज वगैरह की तरह, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, बट जब इनको पानी मिल जाता है, शुगर मिल जाती है, या फिर और भी जो उनको न्यूट्रिशन सही होते हैं वो मिल जाते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। और फिर ये जो बैक्टीरिया हैं वो मतलब कहीं ना कहीं पॉइजन का काम करने लग जाते हैं शरीर में, और पॉइजन डेवलप करते हैं, उससे फिर शरीर में अल्सर वगैरह होने लग जाते हैं, घाव होने लग जाते हैं, और फिर ऐसे जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो आगे काम है, वो आगे फैलती रहती है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यह रेयर है, मतलब होती बहुत कम है एंथ्रेक्स डिजीज़, बट इसके सीरियस इफेक्ट हैं वो आते हैं, अगर किसी को हो जाती है तो बहुत बड़े इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यह ऐसी नहीं कि केवल एनिमल में स्प्रेड होती है, यह एनिमल से ह्यूमन में भी स्प्रेड हो सकती है, चाहे वो आप ह्यूमन एनिमल के साथ टच में हो तो, या फिर दूषित मीट वगैरह खाने से भी ये फैल है वो सकती है। नॉर्मली जो इसके बीज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इस बैक्टीरिया के, बेसिलस एंथ्रेसिस के, ये जो बीज होते हैं एक टाइप के, ये न्यूट्रल मोड पे ऐसे ही मतलब जंगलों वगैरह में न्यूट्रल कंडीशन में रहते हैं, बट जो ही इनको मतलब फर्टाइल जगह मिल जाती है, फर्टाइल जगह का मतलब अगर किसी इंसान की बॉडी या जानवर की बॉडी में एंट्री कर गए हैं तो इनको शुगर भी मिल जाएगी, वाटर वगैरह सब कुछ, तो ये वहाँ पर एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं और फिर अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन में भी यह स्प्रेड है वो हो सकता है। तो ये थी एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में कुछ फैक्ट। अब देखो जो एंथ्रेक्स है, ये डिजीज है, इसका यूज है वो बायोटेररिज्म प्रोडक्ट के तौर पे भी किया जा सकता है। तो ये आपको एक फैक्ट छोटा सा और ध्यान में रखना है। अब आगे हम देखते हैं पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर है, ये आपको ध्यान रखना है, आसाम में। डिस्ट्रिक्ट का नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे है आसाम में। अब जो पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें फॉरेस्ट भी हैं, ग्रास लैंड भी हैं, और वाटर बॉडीज भी हैं, मतलब कि इसमें वेटलैंड भी हैं और जंगल भी है और ग्रास लैंड है वो अभी है, तीनों तरह का एनवायरमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था 1987 में, और उस टाइम पे इसमें ग्रास लैंड काफ़ी ज़्यादा था और वेट लैंड हैबिटेट भी था, बट बाद में फॉरेस्ट भी इसमें डेवलप है वो हो गया धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट बात यह कि जब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था उस टाइम पे जो राइनो, वन हॉर्न राइनो है इंडिया के काफ़ी फेमस है, उसके लिए इसको मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रिजर्व लिस्ट में डाला गया था। यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन हॉर्न राइनो, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, यहाँ पे बार्किंग डियर और वाइल्ड बफेलो है वो पाए जाते हैं। तो अभी जो न्यूज़ आई थी उसमें यही था कि जो वाइल्ड बफेलो हैं इनकी भी जान है वो चली गई थी एंथ्रेक्स डिजीज़ की वजह से। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें जो राइनो की डेंसिटी है ना, वन हॉर्न राइनो गेंडा की डेंसिटी, वो सबसे ज़्यादा है, मतलब जितना ये एरिया है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा राइनोज गेंडाज हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि जो कंचन मतलब जो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो है वो पाए जाते हैं, बट वहाँ पे तो नंबर्स ज़्यादा हैं, मतलब वो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें एरिया भी काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बट अगर हम डेंसिटी की बात करें कि भाई छोटे से एरिया में ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो वो है यहाँ पे पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये फैक्ट आपको यूपीएससी पूछ सकती है। अब हम थोड़ी इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसके बाद में यहाँ आप देखोगे ये है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे आसाम में ये आपको दिख रहा होगा पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है मानस नेशनल पार्क है जो कि आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया में, और थोड़ा सा इसका हिस्सा है वो भूटान वाले एरिया में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आगे जो भी ये ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आगे मतलब बांग्लादेश में इंटर करके आगे चलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है IMF कोटाज के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में ये आर्टिकल आया है। न्यूज़ ये थी कि अभी एक लेटेस्ट डील हुई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेके, और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो फंडिंग है वो $1 ट्रिलियन की रखी जाएगी, और इसी के साथ इसमें जो वोटिंग स्ट्रक्चर वगैरह की चेंज करने की बात की जा रही थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कि वोटिंग वगैरह के ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें कुछ अपडेट वगैरह किए जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब देखो IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है,
इसमें जो भी सारा काम होता है वो कोटा के आधार पर होता है। हर एक कंट्री का अलग अलग कोटा निर्धारित होता है, उसी तरीके से वो वोट कर सकती है कंट्री, उसी तरीके से उसको फंडिंग मिलती है, और इसी तरीके से वो अपने रिसोर्सेज है उनको वहाँ पे कंट्रीब्यूट है वो कर सकती है। मतलब जिस कंट्री का जितना ज़्यादा कोटा है उसी हिसाब से उसको हिस्सेदारी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो यूएस की है, क्योंकि यूएस इसमें सबसे ज़्यादा फंड है वो प्रोवाइड नॉर्मली करवाते हैं। देखो आपको पता है कि ये जो विंस्टन जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, यूएन हुआ, इसी के साथ ही आईएमएफ वगैरह हुआ, इनमें यूएस की ज़्यादा क्यों चलती है? क्योंकि यूएस इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए वो यूएस जैसी कंट्रीज के अगेंस्ट ज़्यादा बायस्ड हैं वो होते हैं। अब जो आईएमएफ में जो कोटा सिस्टम है ये कई पैरामीटर के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जैसे कि कोई भी कंट्री, एग्जांपल ले लो कि इंडिया का कोटा कितना है, तो इंडिया का कोटा आईएमएफ में कितना है इस बात पे डिपेंड करेगा इंडिया की जीडीपी कितनी है, इंडिया की इकोनॉमी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कितनी ओपन है, इसी के साथ ही इकोनॉमिक जो अवेलेबिलिटी है वो कैसी है, और इंटरनेशनल जो रिजर्व जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंडिया का कैसा है। इन चार पैरामीटर के आधार पे इंडिया का कोटा है वो डिसाइड होता है। इंडिया के ही नहीं, जो और कंट्री हैं, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर एक कंट्री का कोटा इन्हीं चार पैरामीटर के आधार पर डिसाइड है वो किया जाता है। सारा काम जैसा मैंने आपको बताया कि कोटा से ही होता है, कोटा के बिना इसमें सारा कोई भी काम है वो नहीं चलता है। जो गवर्नेंस का काम हो वो भी कोटे के द्वारा ही होगा, और जो भी फाइनेंशियल मैकेनिज्म हो वो भी कोटे के थ्रू ही है वो की जाती है। अब देखो कोटे का इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि रोल कहाँ कहाँ होता है इसका। तो हम देखो, एक तो ये देखिए रिसोर्स कंट्रीब्यूशन, कि भाई जैसे यूएस का कितना रिसोर्स कंट्रीब्यूशन है, यूएस कितना पैसा देगा। अगर यूएस का कोटा ज़्यादा है इसका मतलब यूएसए को ज़्यादा पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट हो करना होगा, यूएसए के पास वोटिंग पावर है वो भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। इसी के साथ ही जो फाइनेंस जो लोन वगैरह लेने की बात है, एक्सेस करनी है पैसे को, वो बस भी जिसके पास ज़्यादा कोटा होगा उसके पास होगी, और एसडीआर एलोकेशन में भी। तो एसडीआर को अभी हम आगे है वो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है एसडीआर। अब देखो आईएमएफ में अगर कोटा को चेंज करना है, जैसे कि किसी भी कंट्री के कोटा को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो इसके लिए क्या होता है, एक तो पीछे 85% मेजोरिटी चाहिए होती है, जितने भी वोट पावर है ना यहाँ पे, वोटिंग पावर है, इसका 85% एग्री होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें चेंजेस किए जाएं। इसी के साथ ही जिस कंट्री का जो वोटिंग या कोटा चेंज किया जा रहा है उस कंट्री से भी परमिशन है वो लेनी होती है। अगर वो कंट्री मना कर दे कि नहीं भाई मेरा कोटा चेंज नहीं करना आपको, तो पॉसिबल नहीं है कि कोटा चेंज किया जा सके। तो अभी हम देखें आईएमएफ में, तो देखो सबसे ज़्यादा जो कोटा है वो यूएस का आप देख सकते हो, यूएसए का जो शेयर है वो यहाँ पे है 17.46, इसके बाद में जापान का आता है 6.48, और हम बात करें इंडिया की तो इंडिया का जो इसमें कोटा है वो है लगभग 2.76। इसी से फिर जो वोटिंग रेशियो वो डिसाइड किया जाता है, तो वोटिंग रेशियो यूएसए का सबसे ज़्यादा है वो है 16.52, और इंडिया का वो है 2.64। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चाइना का भी काफ़ी अच्छा, आप यहाँ देखो 6.41, और जो है वो यहाँ पे 6.09। अब हम देखते हैं एसडीआर क्या है। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखो इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज हैं वो आती हैं, तो उस टाइम पे उसमें ऑप्शन दिया गया था कि एक तो रेनमिनबी थी और दो तीन करेंसी और थी, तो रेनमिनबी उस टाइम पे ऐड की गई थी इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था। रेनमिनबी वैसे चाइना की करेंसी है, चाइना की करेंसी का दूसरा नाम वो है यूनान, ये भी आपको ध्यान रखना, यूआन, चाइनीज युआन, या फिर उसको रेनमिनबी के नाम से भी जाना जाता है। देखो जैसे इंडिया में आपको पता रुपी चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, इसी तरीके से आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसने अपनी एक टाइप की करेंसी सी बना रखी है। ध्यान रखना वैसे रियल में कोई करेंसी नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ एक करेंसी नहीं, बट आप समझने के लिए इसको समझ सकते हो कि एक टाइप की करेंसी है। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड की जो सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी, सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी यानी जो कि ट्रेड में वह सबसे ज़्यादा यूज है नॉर्मली की जाती है, या वो कंट्रीज जिनकी जो हम बात करें करेंसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं के आधार पर ये एसडीआर है वो डिसाइड की जाती है। जैसे कि अभी हम बात करें एसडीआर में कौन कौन सी करेंसी है, तो एक तो है यूएस डॉलर, एक है यूरो, एक है चाइनीज युआन, एक है जापानीज येन, और एक है पाउंड स्टर्लिंग जो कि किसके है, यूके की। तो ये सब मिला के एसडीआर को तैयार है वो करती हैं। अब एसडीआर जैसे मैंने आपको बताया एक तरीके से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का रूपी है, एक टाइप का, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो करेंसी है उसको हम एसडीआर के नाम से जान सकते हैं, बट रियल में यह कोई करेंसी नहीं है कि भाई इस करेंसी का आप कहीं यूज कर सकते हो, केवल इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में ही इसका यूज है वो किया जाता है। अगर कोई भी आपस में जैसे लेन देन करना हो तो वो एसडीआर के माध्यम से यहाँ पे किया है वो जाता है। तो थोड़ा देखो हम समझते हैं एग्जांपल से, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हो,
कि एक एसडीआर का मतलब ये है कि उसमें एक एसडीआर का मतलब ये हो गया कि 41.73% जो हिस्सा है एक एसडीआर का वो तो यूएस डॉलर से डिसाइड होगा, और 10.92% हिस्सा है वो होगा चाइनीज रेनमिनबी से, और यूरो का थ्रू होगा डिसाइड वो होगा 30.93, ब्रिटिश पाउंड से होगा 8.09 और जापानीज येन से होगा 8.33। यानी कि एक एसडीआर आपको बनानी है, इसका मतलब है कि आपको इस रेशियो में करेंसी लेनी होगी, तब वो एक एसडीआर का फॉर्म है वो लेती है, और इसी की फॉर्म में कंट्री का जो वहाँ पे डिसाइड है वो कोटा है वो डिसाइड किया जाता है। तो ये एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज हैं ये यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। देखो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि एक पार्लियामेंट का एक्ट था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको बाद में 2006 में अमेंड भी किया गया था, उसके तहत इसको बनाया गया था, और जो भी पावर है इस टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को वो इसी के तहत मिलती हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो इसके जो हेड होते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के वो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके हेड है वो यहाँ पे होते हैं चेयरमैन। इसके बाद में बात यह थी कि इस कमेटी के मेंबर, तो देखो ये जो अथॉरिटी है सॉरी इसके मेंबर की हम बात करें तो यहाँ पे इसमें 8 तो होते हैं एक्सपर्ट मेंबर और 3 होते हैं वो होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्टेड मेंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 8 हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट मतलब जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में उनको नॉलेज होगा, या फिर वो वेलफेयर या ट्राइबल्स से रिलेटेड वो काम है वो करते हो, मतलब कंजर्वेशन से रिलेटेड वो किसी भी एरिया में परफेक्ट है वो होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होते हैं 8 लोग तो वो होते हैं, 3 होते हैं, तो टोटल 11 मेंबर इसमें होते हैं और एक इसमें चेयरपर्सन है वो होते हैं। अब है बात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसका काम क्या है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मेनली काम है वो टाइगर कंजर्वेशन पे फोकस है वो रहता है, यानी कि टाइगरों की सुरक्षा के लिए। अब हम बात करें टाइगर जो रिजर्व्स हैं इनके क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कौन कौन सी गाइडलाइन है वहाँ पे उनको फुलफिल करना है, फॉलो करना है, ये सारे काम हैं वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ही किए जाते हैं। इसी के साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट में ऑडिट रिपोर्ट जारी करती है अपनी, या फिर एनुअल रिपोर्ट है वो पब्लिश करती है। इसी के साथ ही स्टेट के अंदर भी जैसे जो नेशनल पार्क वगैरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ पे टाइगर रहते हैं, इनकी कंजर्वेशन करनी है, इनके एडवाइस वगैरह करनी है, तो वो सारे काम किए जाते हैं, और कोई नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना हो इसके अप्रूवल वगैरह काम भी एनटीसीए के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वह है बासान या फिर थेनगरचार आइलैंड के बारे में। तो पहले तो हम देखते हैं इसकी लोकेशन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो बांग्लादेश के नीचे जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा है इसमें आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ये है ये आइलैंड जो कि अभी न्यूज़ में आया है कि आपको ध्यान में रखना है। देखो है क्या सीन वो हम देखते हैं, ये इधर आपको दिख रहा है म्यांमार का बॉर्डर है और ये इधर म्यांमार का एक प्रोविंस है रखाइन प्रोविंस, जहाँ पे रोहिंग्या कम्युनिटी को काफ़ी मतलब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन किया गया था, वो काफ़ी टॉर्चर किया गया था, फिर वो कम्युनिटी धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट वो होने लग गई थी और यहाँ पे रिफ्यूजी के फॉर्म में उन्होंने मतलब रहना शुरू कर दिया था। तो अभी न्यूज़ ये आई है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज है ना इनको इस आइलैंड पे शिफ्ट है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो लगभग उम्मीद की जा रही है कि 6 से 7 हज़ार के आसपास जो रोहिंग्या रिफ्यूज हैं वो एग्री भी हो गए हैं और उनको इस थेनगरचार जो आइलैंड है यहाँ पे शिफ्ट है वो किया जा रहा है। थेनगरचार आइलैंड या फिर बासन जो चार आइलैंड है दोनों सेम ही है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब एक ही है। लोकेशन कहाँ पे है? ब्योह बंगाल में है और ये हिमालय के सिल्ट से बना हुआ है, 2006 के टाइम में इस आइलैंड का निर्माण है वो हुआ था। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट एक यहाँ पे ये दाना लोकेशन, यहाँ पे जो मेघना रिवर का जो एस्चुरी है जिस तरीके से देखो जो रिवर काफ़ी स्लो फ्लो करती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और कुछ नदियों की गति काफ़ी तेज़ होती है तो वो क्या करती हैं डायरेक्टली डेल्टा नहीं बनाती और समुद्र में डायरेक्टली सीधे जाके मिल जाती हैं, तो वो बनाती हैं एस्चुरी। तो ये मेघना रिवर के एस्चुरी में स्थित वो एक इम्पॉर्टेंट एस्चुरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी फैक्ट मैंने आपको बताया कि रोहिंग्या जो कम्युनिटी थी वो यहाँ से बांग्लादेश चली गई थी, तो वहाँ से वापस जो रिफ्यूजीज की फॉर्म में है उन सबको इस आइलैंड में यहाँ पे शिफ्ट है वो किया जा रहा है, तो उसी को लेके न्यूज़ है वो यहाँ पे आई है। और मेघना रिवर ध्यान रखनी है एस्चुरी बनाती है, ये फैक्ट पता होना चाहिए, आइलैंड की लोकेशन ध्यान रखनी है, इतने फैक्ट अगर आपको याद हैं तो फिर इनफ है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मिस फॉर डिस्कशन।